यार ये जेंजी के बच्चों में ये नहीं समझ में आता किस बात की इतनी रंगबाजी होती है, ये यू आर द वन हु वाज गोइंग टू रन ओवर मी। अरे सही से बोल लो थोड़ा यार, मतलब साले पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। तो अभी मैंने जस्ट पीसी खोला ही था, दूसरा एक प्रोजेक्ट एडिट करना था, उस पर काम करना था, तो देखा क्या कि मैडम वेब का ट्रेलर आ चुका है। एंड ऊपर ऊपर से देखने में गैस नहीं कर सकते कैसा होगा क्या होगा, देखना ही पड़ेगा, तो चलो साथ में देख लेते हैं कैसा है क्या है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगेन, तुम जानते हो एज अ मार्वल फैन वी ऑल आर सो डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। अभी जो मूवीज़ एंड टीवी शोज़ आ रहे हैं मार्वल के, बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। बट आई होप इसमें कुछ अच्छा हो, कुछ डिफरेंट हो, एंड प्लीज़ कोई क्रिंज ना हो। लेट्स गेट टू इट। स्टार्ट्स मैडम, बैकग्राउंड म्यूजिक तो अच्छा है। इनमें से एक एक्ट्रेस की कोई मूवी देखी अभी याद नहीं आ रही, बट बहुत बहुत क्रिंज मूवी थी। ओके, ये एक्शन सीक्वेंस अच्छा है, क्रिएटिव है। She can see the future. A week ago, I spent comics my life racing against time. I'm gonna help you out today, okay? Trying to save people who are running out of it. Until one moment changed everything. Come on! Welcome back to the land that we're living. कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था इसका क्या? I've been having visions. I knew he was gonna die. यहाँ बेसिकली वो फ्यूचर देख सकती है, मे बी। एक्चुअली शी हैज साइकिक पावर्स इन कॉमिक्स, सो ओ ये विलन है, मेन एंटागोनिस्ट है। विलन तो कहीं से नहीं लग रहा है, मतलब एक इविल लुक होता है, थोड़ा एग्रेसिव डार्क लुक होता है, वो तो कहीं से नहीं लग रहा। आजकल तो बस लोग हीरोज़ हों या विलन को नहीं, एक हैंडसम स्मार्ट टाइप का लुक देने में बिजी है बस। कोई भी क्या कहूँ यार, बस 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 यही नहीं पसंद है, ये जो क्रिंज कॉमेडी है ना फालतू की, अब ट्रेलर देखने का मन नहीं कर रहा है आगे। Didn't see that coming. That's not how it works. I've seen that man before. So far, so I'm really disappointed. This is. He was in the Amazon with my mom when she was researching bullshit. Spiders right before she died. Wait, I recognize you. You live in my building. You're the paramedic. Well, yeah, you almost ran me over. यार ये जेंजी के बच्चों में ये नहीं समझ में आता किस बात की इतनी रंगबाजी होती है, ये यू आर द वन हु वाज गोइंग टू रन ओवर मी। अरे सही से बोल लो थोड़ा यार, मतलब साले पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। कीबोर्ड ना टूट जाए यार कहीं, मतलब साला बोलने का तरीका भी इतना झाटू है। ये लो, ये मतलब स्पाइडरमैन के फीमेल वर्जन्स भी आ गए, वाह। Your future was almost so different. Why do we? If you want to live, you have to trust me. अरे भाई क्रिंज है मूवी में, कुछ नहीं क्रिंज 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 क्रिंज। कमिंग सून, नॉट रेटेड येट, तेल लगाओ। ओवरऑल यही कहूँगा, अच्छा कमेंट्स देखते हैं। आई लव, तुम कमेंट देख लो मार्वल के ऑफिशियल चैनल पे इसके ट्रेलर नीचे क्या कमेंट्स आए हैं, तुम समझ जाओगे, ठीक है। अब सीधे सीधे तुम मुझे एक चीज़ ये बताओ कि तुम 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली एक्ट्रेस से ये उम्मीद करते हो कि वो एक जेन्युइन सुपर हीरो रोल प्ले कर पाएगी, करते हो उम्मीद?
Nope. ट्रेलर मतलब एक सेकंड के लिए भी एक्साइटिंग नहीं था। हाँ, केवल बीजीएम अच्छा था। मैडम वेब एक तरह की म्यूटेंट कह सकते हो, जिसमें साइकिक एबिलिटीज है, वो फ्यूचर देख सकती है इन सम कंडीशंस, नॉट इन एवरी कंडीशन, विच इज शोन इन द ट्रेलर टू। और कॉमिक्स में इसके पास कुछ अदर पावर्स भी थी लाइक टेलीपैथी एंड ऑल, बट टेलीपैथी जैसा तो कुछ दिखाया नहीं गया इसमें। ओवरऑल मैं अभी से बोल रहा हूँ, इस तरह की मूवीज पर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। बाय द वे, अगली वीडियो एक दो दिन में ही आने वाली है। टॉपिक है मार्वल फेज 5 और 6 की सारी अपकमिंग मूवीज, उनकी रिलीज डेट एंड उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो। सो नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से डाल दो, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दो। यार ट्रेलर खराब है, मेरी वीडियो पे गुस्सा मत निकालना इसका। एंड नए हो देन चैनल को कर लो सब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। असली मार्वल फैन हो तो ये मूवी देखोगे नहीं। बाय बाय।